जय हिंद साथियों डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ साथियों मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि मुझे योगा करना है वैसे मैंने बचपन में योगा किया है आ, वो आसन प्राणायाम काफ़ी सारे सीखे हैं मैं जब मैं स्कूल में था और जब मैं मेडिकल कॉलेज में था और आगे जाकर भी मैंने योगा किया है लेकिन काफ़ी दिन से मुझे टाइम नहीं मिल रहा है या मेरा लेजीनेस है मैं कर नहीं पा रहा हूँ ठीक से तो आ, मैं क्या करता हूँ मैं मुझे अगर किसी चीज़ को करना है लेकिन मैं वो ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे उसके प्रति बड़ी आदर की भावना है बड़ी श्रद्धा है कि ये करने से सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है या मेरा माइंड कंसंट्रेट होता है तो मैं उसको कुछ रिप्लेसमेंट अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करता हूँ उसको शॉर्टकट उसके लिए शॉर्टकट या फिर अल्टरनेटिव और ये अल्टरनेटिव शॉर्टकट ऐसे इतने यहाँ तक बढ़ जाते हैं यहाँ इस हद तक चले जाते हैं कि मैं मार्केट में जाता हूँ किसी दिन मुझे ये ऐसे योगा डाइस दिखती है तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ क्योंकि मेरी इतनी श्रद्धा है योगा के प्रति मुझे बड़ा विश्वास है इस पर उसके जो फिलोसफ़ी है नियम है मैंने थोड़ा बहुत फ़ायदा भी लिया है चख लिया है उसका मजा चख लिया है फ़ायदे चख लिए हैं तो मैं ये डाइस उस बॉक्स में से निकाल रहा हूँ और इसमें ये सारी योगा की पोज़ेस दिए हैं ये इंग्लिश में उन्होंने उनके नाम बदले हैं तो ये सारे पोज़ेस हैं योगा के यहाँ पर और ये सारे पोज़ेस हैं तो ये इसलिए है कि मैं इनको देखकर ये सारी चीज़ें करूँ तो यहाँ पे जो सीटेड ट्विस्ट है या फॉरवर्ड फोल्ड है या वन लेग डाउनवर्ड डॉग है काउ फेस है ये सारी मैं चीज़ें करूँ लेकिन होता यह है कि ये डाइस मेरे ऐसे टेबल पर चली जाती है या मेरे कबड़ में चली जाती है क्योंकि ये बहुत अच्छी दिखती है और ये यहाँ पर रखने से मुझे प्रेरणा भी मिलती है फुर्ती मिलती है मुझे आंतरिक आनंद आता है एक समाधान मिलता है कि हाँ मैं इससे कनेक्टेड हूँ हालांकि मैं ये कर नहीं रहा हूँ लेकिन ये सिर्फ़ यहाँ पर है मेरी बड़ी श्रद्धा है मेरे पुर पुरखों ने भी ये किया है कि इससे सेहत अच्छी रहती है तो ये यहाँ पर पढ़ा रहता है बाद में फिर ये यहीं पर पढ़ा रहता है तो मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मैं इसको नमन कर लेता हूँ क्योंकि मेरी इतनी श्रद्धा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो अब उसको नमन करना शुरू कर देता हूँ आगे जाकर इसकी पूजा भी करता हूँ आगे जाकर इसके लिए कुछ मंत्र भी पढ़ता हूँ और उसको बहुत श्रद्धा के साथ इसको इस प्रतीक को इस सिंबल को पूजना शुरू कर देता हूँ इसके प्रति मेरी इतनी गहरी अटैचमेंट uh, हो जाती है कि इसके खिलाफ़ अगर मेरी बच बच्चे मेरी बीबी बोल देते हैं तो मैं चिढ़ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नहीं ये तो हमारी अस्मिता का प्रतीक है हमारी संस्कृति है ये हमारा धर्म है तो इस ये मेरी भगवान हो जाती है ये जो डायस है ये या ये, ये सिंबल है तो ऐसे काफ़ी सारे सिंबल आज दुनिया भर में लोगों के गॉडली सिंबल हो गए रिलीजियस सिंबल हो गए और भारत में तो इनकी इतनी मात्रा है कि कोई भी चीज़ आप उठा लो वो सिंबॉलिकली गॉड हो गई है हालांकि ये गॉड नहीं है ये रिलीजन नहीं है स्पिरिचुअलिटी नहीं है ये एक्सरसाइज भी नहीं है ये डायस ये सिर्फ डायस है जिस पर ये चित्र है और इससे मुझे प्रेरणा मिलनी चाहिए इससे मुझे याद आनी चाहिए ये करने की इसको फॉलो करने की मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसको सिर्फ देख देख के आनंदित हो रहा हूँ और एक गिल्टी कॉन्शियस मेरे अंदर जो है कि मैं ये कर तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन इसकी मैं पूजा करता हूँ इसको मैं अपने पास रखता हूँ इसको डिस्प्ले कर दिया है मेरे सबसे बढ़िया शोकेस में इसको रख दिया है इसकी पूजा भी करता हूँ मेरे फोटो में भी आता है तो ये हो जाता है ऐसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बारे में भी हो गया है भगवान बुद्ध ने जैतवन में जब उनको पूछा गया था कि भगवान आप अब बाहर जा रहे कुछ महीनों के लिए आप यहाँ नहीं होंगे तो हम आपकी प्रतिमा लगा देते हैं और उस मूर्ति के सहारे हम प्रेरणा लेंगे और मेडिटेशन करेंगे शील समाधा शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करेंगे तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि नहीं मेरी प्रतिमा को मत पूजो इसकी जगह पर यहाँ पर एक पेड़ लगाओ और पेड़ की छाया जब वो बढ़ जाएगा तो उसके अंदर उसके आजू बाजू में छाया में आप साधना करो और प्रज्ञा का अभ्यास करो लेकिन बाद में यह ऐसा हो गया कि हमारे यहाँ पर जो मूर्ति की कला डेवलप हो गई बाहर से भी आ गई मथुरा और नॉर्थ वेस्ट में जो कनिष्का की गांधारा स्कूल इससे काफ़ी सारी मूर्तियाँ ये बुद्धा की हो गई सबसे पहली मूर्तियाँ बुद्धा की है मोहनजोदड़ो के बाद में वो मेटल के और जो भी मिले हैं वो आप उस से तो इन मूर्तियों में बाद में फिर एडिशंस हो गई जो बुद्धिज़्म के देव देवता जो कंसेप्ट थे वो भी शुरू हो गए जिसमें गणपति और ये सारे आ गए उनके जातक कथाओं के पात्र आ गए उनकी भी मूर्तियाँ बनने लगी और मेन तो उद्देश्य बुद्धा ने बताया था कि मेरी मूर्ति को मत पूजना उन्होंने ये बताया कि मुझे कैसे पूजना कि मेरे रास्ते पर जैसे बताया है उसके रास्ते पर चलते जाओ और चलते जाओ और इस तरह आप इस तीर से उस तीर तक चले जाओगे दुख सागर से सुखी हो जाओगे और प्रज्ञा का अभ्यास करके आप अंतिम सत्य तक पहुंच जाओगे यही रास्ता है मुझे पूजने का उन्होंने उस, उस बड़ी आसान भाषा में बताया लेकिन हमने वो भुला दिया तो ये बाद में ये सब शुरू हो गया और ये जो कर्मकांड है ये पूजा है ये शुरू हो गई और ये बुद्धिस्ट उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने ये शुरू किया तो बुद्धा का इन्फ्लुएंस जैसे कम हो गया ब्राह्मणिज़म का बड़ा तो ये सारे देवी देवताएँ थोड़े से मॉडिफाई करके ब्राह्मण पंथ में भी आ गए और काफ़ी सारे जगह पे मोस्ट जो पुरातन मंदिर जो है आज के हिंदू धर्म के ये तो पहले के बुद्ध विहार है और उनकी मूर्तियाँ भी जैसे के वैसे बुद्धा की मूर्तियाँ मॉडिफाई कर दिए और ये हम पूज रहे हैं अब बात यह हो गई कि ये सारी जो मूर्तियाँ है ये सिर्फ सिम्बॉल है प्रतीक है और जो ओरिजिनल जो सिखाने वाली व्यक्ति थी जो ऋषि थे मुनि थे बुद्ध थे उन्होंने तो कहा था कि इन मूर्तियों के सहारे नहीं जाना है आपको जो शिक्षा है मुक्ति की जो सनातन मार्ग है शील समाधि प्रज्ञा इसका अभ्यास करना है तो हमने वो बुला दिया हमारे पुरखों ने बुला दिया हमको तो वो मालूम भी नहीं है काफ़ी सारे लोगों को तो हमें ये देखना है कि हम ये जो क्रिया कर्म, है, कर्म करते हैं कर्मकांड करते हैं मंदिरों में जाते हैं या हमारे घर में भी एक छोटी सी रूम होती है जहाँ पर हम देवालय बनाते हैं हमारे महाराष्ट्र में उसको देवारा कहते हैं जिसमें छोटा सा लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं उसको धोते हैं उसको टीका लगाते हैं और नमन करते हैं लेकिन ये सिर्फ सिम्बॉल है और ये हम सिम्बॉल को पूज रहे हैं उसको नमन कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा जागृत कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम कर नहीं रहे हैं जो करना चाहिए जिसके लिए सिंबल बन गए बाद में वो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सिंबल को पूज रहे हैं और ये सिंबल के नाम से हमने फिर ये कर्मकांड ये पूजा ये विधि ये यज्ञ ये सब शुरू कर दिया है और एक्चुअल जो करना था उससे हम कोसो मैलो जन्म जन्म से दूर हो गए हैं ये आचार्य सत्यनारायण गोयनका कहते थे कि हम ये बीच की धर्मशालाओं में अटक गए हैं मेन जो धर्मशाला है मेन जो मार्ग है राजमार्ग वो हमने छोड़ दिया है मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से मैं ये बात आप कर पहुँचा आप तक पहुँचा पाया हो कि हमारी श्रद्धा हमारे प्रतीक हमारे कर्मकांड रिचुअल्स रूटीन ये हम कितनी भी श्रद्धा से करें अगर मैं इसके सामने माथा रगड़ रगड़ कर इसकी पूजा करूँ प्रार्थना करूँ इसके सामने मैं न, न, कुछ मुझे देने के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभ की प्रार्थना करूँ ये डायस ये सिंबल मुझे इसमें से कुछ भी नहीं देने वाला है तो ये बात मैं आपके ध्यान में समझ में ला सका हो ऐसे मैं आशा करता हूँ जय हिंद साथियों